नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज है 2 मार्च, आज है अमावस्या और आज है बुधवार। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय आप किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। इस बार यह अमावस्या का दिन भी है और बुधवार भी है, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रमाण में दिखाई देगा। वैसे इसको आप जब भी करेंगे, रिजल्ट हमेशा बेहतर ही आएगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, राहु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर राहु नाराज होते हैं, उस व्यक्ति का पूरा परिवार एक एक करके सब बर्बाद ही रहते हैं। घर के अंदर भूत पिशाच यम इनका वास हो जाता है। घर के ऊपर किसी के भी द्वारा किए गए टोने टोटके बहुत जल्दी असर करने लग जाते हैं। किसी की भी हाय बद्दुआ बहुत जल्दी लगने लग जाती है, मतलब बुरी चीजें घर के अंदर फटाफट एंटर होने लग जाती है। बुरे लोगों की संगत आपको अच्छी लगने लग जाएगी, गलत रास्ते पर चढ़ जाएंगे, घर के अंदर अनायासी बीमारी आने लग जाएगी, दुर्घटनाएं घटने लग जाएंगी। दिमाग कभी सही दिशा में नहीं सोचेगा, हमेशा मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस टाइप के थॉट्स, और हमेशा ऐसे विचार जो कहीं पर भी ब्लास्ट कर दें। खुद की लाइफ में तो ब्लास्ट हो ही जाता है, लेकिन जो भी संपर्क में आता है उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी आग लगाते रहते हैं, जिनके राहु बहुत ज्यादा खराब होते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, इससे उल्टा होता है कि यदि राहु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो आप करोड़ों में खेलते हैं, पैसे बहाने मार मार कर आना शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति की तमाम तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो इसके लिए दोस्तों, बुधवार के दिन आपको 4 का अंक लिखना है। 4 का अंक दोस्तों राहु का ही अंक है। अंकों के ऊपर मैंने ढेरों वीडियोस पहले भी अपलोड की है, काफी लोगों को फायदा हुआ है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अंकों के ऊपर कमेंट ना आती हो। अंकों के द्वारा जैसे जैसे जिन लोगों ने जो भी अंक लिखे हैं, उन अंकों के द्वारा जिन लोगों को भी जो भी फायदा हो रहा है, सभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, फोन करके जानकारी देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अंकों के द्वारा कई लोगों को बहुत जबरदस्त फायदे हुए हैं। इसके लिए अंकों को लेकर के मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करती हूँ। अभी अभी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, उनका बहुत बड़ा काम हो गया था, तो उन्होंने पूछा था कि आपको इन अंकों के बारे में कैसे पता चला। दोस्तों, अंकों के बारे में किसी को पता नहीं चलता, ये पूरा शास्त्र ही अलग है। जैसे तमाम दूसरे शास्त्र हैं, हर शास्त्र में अलग अलग चीजों की जानकारी दी है, ऐसे जो अंकों का शास्त्र है उसमें अंकों की जानकारी दी हुई है। कौन सा अंक किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, किस ग्रह की आपके घर में कहां जगह है, कौन से ग्रह का कौन सा कलर है, तमाम जानकारियां दी जाती हैं और उसी के ऊपर से ये वीडियो बनाई जाती है। हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो दोस्तों फेक वीडियो बना रहे हैं। अगर उन्होंने ये देखा, अभी अभी मैंने एक बहुत अच्छा आपको नंबर इंट्रोड्यूस किया था, बहुत ही लकी नंबर था वो, और उस नंबर से दोस्तों काफी लोगों को फायदा हुआ। तो किसी ने फेक वीडियो बनाई और उसका जो आगे का जो डिजिट था उसको चेंज कर दिया। मैंने यूट्यूब के होम पेज पर जब वो वीडियो आई, मैंने उसको देखा, वो बिल्कुल रॉन्ग नंबर था, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो देख करके बनाया गया वीडियो था। तो इस तरीके से कितनी बार धोखा भी हो जाता है, जब लोग मन चाहे नंबर लिखने लग जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कोई भी नंबर लिख दो, ये कोई भी नंबर नहीं है।
इसका एक पूरा शास्त्र है, आप यदि उसका अध्ययन करेंगे तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा नंबर लिखने से कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज बुधवार है, बुधवार के दिन नीले रंग की पेन से, नीले रंग की पेन से या नीले रंग के किसी भी कलर से घर की नैऋत्य दिशा में आपको चार लिख देना है। नैऋत्य दिशा दोस्तों राहु की दिशा है, यहाँ राहु का वास होता है। कलयुग में आप इस दिशा की तरफ मुंह करके जो भी बोलते हैं उसमें भी दोस्तों आपको बहुत जल्दी सफलता मिलती है। कोई भी इच्छा आपका लंबे समय से कोई काम नहीं हो रहा है, आप नैऋत्य दिशा की तरफ मुंह करके उस इच्छा को बोलना शुरू करें, मतलब ये बोले कि मेरा ये काम हो गया है, आपका वो काम बहुत जल्दी होगा। तो आज के दिन चार का अंक नीले रंग की पेन से या नीले रंग की किसी भी चीज से आप नैऋत्य दिशा में लिख दें और उसके नीचे एक तिल के तेल का दीपक जला दें, बराबर ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर लें। बहुत जल्दी दोस्तों आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, करके देखिए सुबह क्या रिजल्ट मिलता है, जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। उपाय को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।